आप सब आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर जो आपने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया है और आप चाहते हैं कि आप पोस्ट ऑफिस अकाउंट को गूगल पे से लिंक करें या फ़ोन पे से लिंक करें तो आप कैसे करेंगे। देखिए, जब भी हम गूगल पे या फ़ोन पे बनाते हैं और उसमें अकाउंट जब जोड़ते हैं तो हमारे पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए, जिसको रुपए कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जो आपके पास वो होगा तभी होगा, क्योंकि उसमें जो है एटीएम कार्ड का जो नंबर होता है, अंतिम जो 6 डिजिट के जो एटीएम कार्ड का नंबर होता है वो मांगा जाता है और एक्सपायरी डेट मांगी जाती है, जो कि आपके पास पोस्ट ऑफिस में जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो वो आपको एटीएम कार्ड नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या ऑप्शंस है, कैसे आप जो है ऐड करेंगे फ़ोन पे में और गूगल पे में पोस्ट ऑफिस में जो आपने अकाउंट खुलवाया, तो कहाँ से आपको वो नंबर मिलेगा, एटीएम कार्ड का नंबर मिलेगा और एक्सपायरी डेट मिलेगी, चलिए पूरा प्रोसेस जानते हैं इस वीडियो में। थैंक यू। सबसे पहले आप जैसे पोस्ट पेमेंट बैंक का ऐप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको एम पिन मांगेगा, तो एम पिन आपका जो भी होगा आप यहाँ पे डाल के आप जैसे लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से इसका डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे बैलेंस चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे आई जहाँ बना हुआ है देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको एक रुपये डेबिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आएगा, आपने रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने इसको ओके करके यहाँ पे कंफर्म कर देना है। इसको कंफर्म करने के बाद आपके पास इस तरह से ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। तो ओटीपी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 3 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया होता है। तो ओटीपी जैसे ही आ जाएगा आपका जो है ये फिल हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। जो जो दादी का जो दादी का यहाँ पे देखिए आ चुका है, ओटीपी मैं फिल कर देता हूँ फटाफट। 7067 तो ओटीपी जो है मैंने फिल कर दिया है। ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो है इस तरह से वर्चुअल डेबिट कार्ड दिखाई देगा, आपने कार्ड व्यू पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे कार्ड व्यू पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप कार्ड व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है आपके अकाउंट से 25 रुपये कट जाएंगे क्योंकि आपने डेबिट कार्ड जो है एक्टिवेट कर दिया है। तो डेबिट कार्ड एक्टिवेट करने का 25 रुपये चार्ज लगता है। देखिए कंफर्म करने के साथ ही जो है मेरा पैसा भी कट जाएगा और आपका देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको, देखिए 25 रुपये कट गया है और यहाँ पे एटीएम कार्ड का नंबर भी आप देख सकते हैं, लास्ट 6 डिजिट आपने यहाँ से उतार लेना है और एक्सपायरी डेट भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।